हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बनाएंगे बैसाखी की ड्रेस देखिए ये हाफ़ जैकेट और इसके लिए मैंने सिर्फ ये एक मीटर कपड़ा लिया है और मैचिंग लेस ली है लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है और ये जैकेट पाँच से सात साल के बेबी के लिए बन रही है और ये मैंने लिखी है मैचिंग ये वाली लेस ली है सबसे पहले कपड़े को हम खोलेंगे और इस तरह से देखिए ये डबल है इस तरह से पकड़ेंगे और इसको एक और फोल्ड इसमें ऐसे देंगे तो अब रखेंगे हम तीरा ये बंद वाली साइड से उस साइड को हमने तीरा रखना है इसमें तीरा मैं रख रही हूँ साढ़े पाँच इंच पे मार्किंग कर रही हूँ नीचे साढ़े पाँच इंच ही इसमें आर्म होल लेना है और आगे को मार्किंग कर देंगे इस तरह से जैकेट की हमें लंबाई लेनी है तो सत्रह इंच की मैं लंबाई ले रही हूँ जो कि तैयार साढ़े पंद्रह इंच हमारी आ जाएगी फोल्ड आएगा नीचे से और अब हम लेंगे ब्रेस्ट तो साढ़े सात इंच मैं इसमें ब्रेस्ट ले रही हूँ आप बेबी का नाप लेके वैसे ले सकते हैं फोर्थ पार्ट यहाँ पे मैं मार्जिन ले रही हूँ डेढ़ इंच का तो अब जो है सीधा इसमें कमर वगैरह हमने नहीं रखनी है सीधा जो है जितना हमारा मार्जिन यहाँ पर आ रहा है ना ब्रेस्ट के पास तो उतना ही नीचे को ले लेना है और इसमें सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर देनी है आर्म होल की गुलाई देंगे और इसको अब हम कट कर लेंगे सेम इतना ही कपड़ा हमें लाइनिंग का भी लेना है तो लाइनिंग मैं कॉटन की ले रही हूँ और ये जो बैसाखी की ड्रेस बन रही है तो ये थोड़ा साइन वाला कपड़ा जो है ना अच्छा लगता है तो मैंने ये साटन का कपड़ा लिया हुआ है आप अपने हिसाब से कपड़ा चूज कर सकते हैं तो अब इसको देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है और ये ली है मैंने लाइनिंग तो इसको भी जितना हमने ये कट किया है ना वैसे ही कट कर लेंगे तो लाइनिंग को भी देखिए मैंने सेम ऐसे ही कट कर लिया है और अब हम इसमें नेक काटेंगे सबसे पहले हम इसके फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग कर देंगे बैक पार्ट जो है हमारा बंद वाला चाहिए हमें और जो फ्रंट वाला है वो हमने नेक से नीचे को ऐसे कट करना है तो ये बैक के मैंने साइड में रख लिया और यहाँ पर ना इसको हम इधर से कट कर लेंगे तो ये देखिए इसको मैंने अब कट कर लिया है सेम लाइनिंग में भी ऐसे ही हमने फ्रंट पार्ट जो है हमारा ऐसे ही कट कर ले दोनों पार्ट को देखिए मैंने कट कर लिया है अब इसको सीधा रख के अच्छे से आप इसको सेट कर लें और अब नेक बनाते हैं तो नेक जी जो चौड़ाई है वो मैं ले रही हूँ दो इंच और जो इसकी लंबाई है वो ले रही हूँ मैं चार इंच तो ये फ्रंट का है तो थोड़ा सा मैं इसमें बड़ा बना रही हूँ और बैक पार्ट में हम बिल्कुल छोटा सा बनाएंगे तो इस तरह से इसमें गोल डिज़ाइन हम दे लेंगे ले और इसको भी कट कर लेंगे अब हम जैकेट के फ्रंट पार्ट में यहाँ पे ऐसे गोलाई दे लेंगे इससे बहुत अच्छी लगती है फिर जैकेट और यहाँ पे फिर हमारी आएगी लेस तो इसको भी अब कट कर लेते हैं तो देखिए इसको अब हमने कट कर लिया है अब जो है बैक पार्ट को भी हम कट कर लेंगे ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है अब दूसरे वाले में पीछे वाले में हम अब नेक बनाएंगे पहले तो इसको भी बिल्कुल सिंपल ऐसे ही हम रख लेंगे बिल्कुल मिला के रखना है और इसकी भी चौड़ाई मैं ले रही हूँ दो इंच और नीचे को लंबाई भी मैं ले रही हूँ दो इंच तो बैक पार्ट का जो नेक है वो बिल्कुल थोड़ा सा छोटा बनाना है हमें तो इसको भी अब कट कर लेते हैं अब जैकेट को सिलते हैं तो ये वाला जो बैक पार्ट को हम देखिए इस तरह से खोलेंगे और इसको उल्टी तरफ रखेंगे पहले ये देखिए ये हमारी उल्टी साइड है और ये लाइनिंग का कपड़ा सीधी साइड को हमने रखना है तो इस तरह से फिनिशिंग से फिर जो है हमारा ये आएगा तो इसको अच्छे से यहाँ पे हमने सेट कर लेना यहाँ पर पिन भी लगा सकते हो या आप कच्चा भी कर सकते हो उसके बाद फिर सीधी साइड रखनी है और जो फ्रंट पार्ट है हमारे वो हमें लेने हैं तो इसमें भी सेम ऐसे ही लाइनिंग को हमने देखिए पहले उल्टी साइड से इस तरह से ये लाइनिंग की सीधी साइड रखेंगे इसको फिर पिन लगा के फिर इस तरह से देखिए इसको हम कंधे स्टिच कर लेंगे तो ऐसे रखेंगे देखिए यहाँ पे हम कंधों में सिलाई लगाएंगे तो फिर ये हमारा सीधा करके ऐसे आएगा तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है जैकेट की उल्टी साइड भी देखिए हमारी बिल्कुल अच्छी आ रही है फिनिशिंग के साथ क्योंकि कपड़ा हमारा यहाँ पे सीधा आ रहा है तो इस तरह से ना बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो है आती है अब हमें यहाँ पे जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था तो यहाँ पे सिलाइयाँ लगा लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे हम इसको फोल्ड कर लेंगे यहाँ पे आप उरेब अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप उरेब पट्टियाँ लगा के भी इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं पर इसमें मैं सीधी सिलाई इसमें लगा रही हूँ और फिर बाद में इसका नेक डिज़ाइन में उरेब पट्टी हम लगाएंगे तो देखिए इसमें मैंने सिलाइयाँ लगा लिया पीछे की साइड भी और यहाँ पर भी तो इसको इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और अब जो है गला इसका बनाएंगे गले में उरेब पट्टी हम ले लेंगे इस तरह से और ये इसके अराउंड लगा लेंगे और फिर जो भी मैचिंग कपड़े की लेस हो है, तो मेरे पास ये दो कलर की है तो मैं रेड वाली इसमें लगाऊंगी इस तरह से देखिए दोनों साइड में हमने ये लेस लगा लेनी है तो देखिए मैंने पूरी जैकेट को स्टिच कर लिया है और कुछ ही मिनटों में ये जैकेट बन जाती है और इस साथ में मैंने ये कमर में बांधने के लिए लिया है तो कुछ इस तरह से लग रही है तो इस तरह से आप घर में ही हाफ़ जैकेट जो है बच्चों की तैयार कर सकते हैं बस थोड़ा सा लूज़ रखिएगा क्योंकि बच्चों को लूज़ कपड़े अच्छे लगते हैं और अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैनल में नहीं होगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय